सरगुजा जिले के सीतापुर के अंतर्गत माड़ नदी के किनारे स्थित मां मंगरेल गढ़ी के पावन भूमि पर लोग नववर्ष मनाने पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर मां मंगरेल गढ़ी का काफी पुराना मंदिर स्थित है और यहां का प्राकृतिक वातावरण एवं सौंदर्य काफी अच्छा है, जिस कारण लोग यहां काफी संख्या में दर्शन करने एवं घूमने आते हैं। आज नववर्ष की उपलक्ष्य में काफी संख्या में लोग यहां मंदिर में देवी के दर्शन करने तथा यहां के वातावरण एवं प्राकृतिक सौंदर्य का लुफ्त उठाने पहुंचे थे। काफी संख्या में लोगों ने आनंद के साथ यहां पिकनिक का भी लुफ्त उठाया। जब हमने यहां आए सैलानियों से बात की तो उन्होंने यहां के माहौल का जमकर तारीफ की और कहा कि सरगुजा में काफी सुंदर सुंदर जगह देखने के लिए है, परंतु मंगरेलगढ़ अपनी प्राकृतिक सुंदरता एवं आकर्षण के साथ ही आस्था का केंद्र भी है, जिस वजह से लोग दूसरी जगह जाने की अपेक्षा यहां आना ज्यादा पसंद करते हैं। कि आप लोग कहां से आए हैं और कहां आए हैं और किस तरह से हैप्पी न्यू ईयर एंजॉय कर रहे हैं? नव वर्ष सभी देशवासियों के लिए मंगलमय हो। हम लोग पत्थलगांव में रहते हैं और ये मंगरेलगढ़, ये पावन नगरी भोले बाबा की, महादेव जी का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत अच्छा स्पॉट है, पिकनिक स्थल है। हम लोग यहाँ पिकनिक मनाने पत्थलगांव से यहाँ आए हैं नव वर्ष के उपलक्ष्य में। देखा जाता है अमूमन सीतापुर के आसपास जैसे मैन पार्ट हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे जगह हैं, पिकनिक स्पॉट हैं, लेकिन आपने सिर्फ मंगरेलगढ़ कहीं क्यों चुना, क्या कारण? मंगरेलगढ़ पर्यटन स्थल होने के साथ साथ यहाँ मंदिर भी है, भोले बाबा की नगरी है, ये हनुमान जी का मंदिर है और बहुत अच्छा वातावरण है यहाँ जी। मैन पार्ट भी बहुत अच्छी जगह है, पर ये हमारे निवास स्थल पत्थलगांव से पास पड़ता है, इसलिए हम लोग मंगरेलगढ़ आए। तो आप अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ नववर्ष का उत्सव मनाने आए हैं, किस तरह से आप लोगों की तैयारी रही है और किस तरह से आप लोगों ने यहाँ एंजॉय किया? बहुत अच्छी जगह है, हम लोग यहाँ 1 बजे करीबन पहुँच गए थे, सब परिवार हम लोग ने यहाँ खाना बनाया, खाया और एंजॉय किया। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आने के बाद। यहाँ इस क्षेत्र को लेकर आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं? संदेश यह है, एक तो स्वच्छता को लेके बहुत अच्छा पर्यटन स्थल होने के साथ साथ हम यह संदेश देना चाहेंगे देशवासियों को कि पर्यटन स्थल में आकर किसी भी प्रकार की गंदगी ना करें, इसे और स्वच्छ रखें और इंजॉय करें प्रकृति को किसी भी प्रकार की। 1 जनवरी है और आप लोग मंगरेलगढ़ पहुँचे हैं सेलिब्रेट करने के लिए, किस तरह से आप लोग मंगरेलगढ़ में नौ वर्ष का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, किस तरह से आप इंजॉय करें इसको? यहाँ भैया देखिए, माँ मंगरेलगढ़ी का वरदान है, सबसे अच्छा जगह मानते हैं हमारा सरगुजा में, माँ मंगरेलगढ़ी का धाम है। यहाँ बहुत दूर दूर से आते हैं और यहाँ सब एकदम इंजॉय बहुत अच्छे से करते हैं, यहाँ ना लड़ाई स्थान के साथ साथ एक पिकनिक स्पॉट भी। हाँ, थोड़ा यहाँ होता है मगर वो गलत जगह नहीं है, बहुत अच्छा जगह है। यहाँ लोग यहाँ जहाँ भी आते हैं ना, एक बार आते हैं तो दोबारा आने का इच्छा करते हैं। तो ये धार्मिक स्थान के साथ साथ यहाँ पे जिस तरह से लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है, नदियाँ हैं, मतलब यहाँ का जो वातावरण है वह लोगों को पिकनिक के लिए भी जो है आमंत्रित करता है। जी जी भैया, यहाँ सौंदर्य बहुत अच्छा है यहाँ का, यहाँ आपका पर्यटन स्थल है, बहुत अच्छा लगता है। दूर से लोग यहाँ यह भैया कम से कम 400-500 किलोमीटर से आते हैं दूर से। और यहाँ आज जो 1 जनवरी है, यहाँ पे तकरीबन कितने लोग आए होंगे? यहाँ भैया अभी लगभग कम से कम 4-5 हज़ार लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करके कुछ लोग चले जाते हैं, कुछ लोग पिकनिक मनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।